नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो डिफेंस रिलेटेड कंपनियां हैं। क्योंकि आप जो इसका न्यूज़ देखेंगे वो काफ़ी पॉजिटिव है। आपको अपना व्यू बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं ये न्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव है या निगेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मिनिस्टर पुट्स 101 डिफेंस आइटम्स अंडर इम्पोर्ट एम्बार्गो। तो जो 101 आइटम है उस पर जो है इम्पोर्ट एम्बार्गो लगा दिया गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो फ्रॉम बिग गन टू मिसाइल इंडिया बैन्स इम्पोर्ट ऑफ 101 डिफेंस आइटम। 101 डिफेंस आइटम पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। यहाँ पर मोदी रिलीज नेगेटिव लिस्ट ऑफ डिफेंस इम्पोर्ट ए ग्रेट चैलेंज एंड इक्वली लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। ग्रेट चैलेंज है हमारे सामने, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम उसे अभी जो दूसरों पर निर्भर थे तो उस आइटम को हम कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, अब तो इस मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा जिससे हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफेंस से रिलेटेड जो है वो काफ़ी बूम पकड़ेगा। ऐसे में आपको वो स्टॉक चूज करना है जो कि बूम करने जा रही है, जो मतलब जो इंडस्ट्री बूम करने जा रही है यहाँ पर डिफेंस में, तो उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं उसे आपको चूज करना है। तो काफी बेहतरीन न्यूज है और काफी मतलब कहें बेहतरीन है हमारे जो है आगे आने वाले समय के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि हम खुद से बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा खर्च जो हम करते हैं डिफेंस से रिलेटेड सामान को खरीदने में वो हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्र धातु निगम, ये हमारा पहला कंपनी है। बहुत सारी कंपनियाँ हम आपको बताएंगे, मिश्र धातु निगम ये काफ़ी बेहतरीन कंपनियाँ हैं और ये कंपनियाँ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिफेंस रिलेटेड है। तो इस ये जो करता है क्या करता है, स्पेशलाइज मेटल्स बनाता है, मेटल एलॉय बनाता है। तो डिफेंस रिलेटेड ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इस स्टॉक पर आप नज़र रखेंगे। ये देखते हैं इसका जो लिस्टिंग हुआ है 2019 में ही लिस्ट हुआ है, 2019 में ही लिस्ट हुआ है। तो नया लिस्टिंग कंपनी है, मतलब नई कंपनी है, तो निश्चित है इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है। अभी तक में 127% का रिटर्न दे दिया है, काफ़ी बेहतरीन है। बहुत सारे लोग कहेंगे PSU सेक्टर के स्टॉक्स जो है रिटर्न नहीं देते हैं, कई सारे मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, कई सारे स्टॉक्स जो है जो पब्लिक सेक्टर के PSU सेक्टर से काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, साथ साथ जो डिविडेंड है आपको मिलेगा काफ़ी बेहतरीन। तो यहाँ पर डिविडेंड देखते हैं 1 के आसपास है और आगे जा करके आपको बढ़ सकता है जैसे बूम आएगा। तो पहला स्टॉक हुआ, दूसरा भारत डायनामिक्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए डिविडेंड यील्ड कितना शानदार है, 1.90%, इतना शानदार डिविडेंड मिलेगा आपको PSU सेक्टर के स्टॉक में जितना आपको किसी अन्य स्टॉक्स में देखने नहीं मिलेगा। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स होते हैं ये, अगर डिविडेंड के यील्ड के माध्यम से देखें, मतलब डिविडेंड के रूप में रिटर्न चाहिए तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। साथ साथ आपको ग्रोथ वाली कंपनियाँ चुननी है डिफेंस से। अब ये देखिए कंपनियाँ, भारत डायनामिक्स ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। ये कंपनियाँ जो है 1970 में ही फॉर्म हुआ था, मतलब 1970 में ही बनाया गया था और ये हमारा मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, मिसाइल बनाती है ये कंपनियां, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनियां हैं। जैसे अब हम अपने मिसाइल पर निर्भर होंगे तो और ज़्यादा मिसाइल बनाएंगे तो और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ साथ ये कंपनी अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं की, ये भी 2019 में ही लिस्ट हुई है। देखें 1.90% का डिविडेंड यील्ड है, ये भी काफ़ी शानदार है। तो चार्ट से ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, चार्ट से हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बिजनेस से रेवेन्यू क्या है कंपनी का, आपको लगातार इसके फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर हम सारे स्टॉक्स को नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई सारे स्टॉक्स हैं, तो सबके फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस करना संभव नहीं। ऐसे भी टेक्निकल एनालिसिस में ये स्टॉक्स नया है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसमें कुछ खास टेक्निकल चार्ट को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर देखें जब गिरावट आया था तो आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी था, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, तो फिर से अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। कल देखना है कि सबसे पहले किस स्टॉक में रैली आता है, तो आपको जैसे रैली आता है तो आपको उस स्टॉक पे क्या करना है, तुरंत उस उड़ते हुए गाड़ी को पकड़ लेना है, दौड़ता हुआ जो गाड़ी है उसको पकड़ना है। जैसे दौड़ना शुरू करेगा, क्योंकि अभी शुरुआत होगा तो शुरुआत में ही गाड़ी जब पकड़ेंगे तभी आप लक्ष्य पे सबसे जल्द पहुंचेंगे। उसके बाद हमारा देख लीजिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स, इसका देख लीजिए लॉन्ग टर्म चार्ट। देखिए PSU सेक्टर का स्टॉक्स कितना बेहतरीन रिटर्न दिया आपको, लॉन्ग टर्म दिखाते हैं, देखिए 13,000% का रिटर्न, 13,000% का रिटर्न है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जितना रिटर्न दिया है इतना आपको कोई जो है बहुत कम स्टॉक्स आपको प्राइवेट सेक्टर के भी मिलेंगे, क्योंकि ये तो आपने 13,000% का रिटर्न देखा, साथ साथ FD के बराबर आप देख लीजिए यहाँ पर रिटर्न, FD के बराबर 3.13% का डिविडेंड यील्ड, तो FD से थोड़ा सा कम है, मतलब FD से आधा आपको यहाँ डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिल रहा है, साथ साथ आपको ग्रोथ का भी रिटर्न मिल रहा है। तो एक साथ दो
आपको यहाँ पर मिल रहा है, डिविडेंड 3% से ऊपर है डिविडेंड यील्ड, साथ साथ आपको ग्रोथ भी मिल रहा है, तो कई सारी रिटर्न आपको एक साथ मिलते हैं। तो ये स्टॉक्स इसी तरह से हम कहें तो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यह दो चीज़ फायदा है, एक तो आपको रेगुलर डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिलता रहेगा, जितना आप एफडी पे प्राप्त करते हैं उससे आधा ही के हाफ ही मिलेगा, तो हाफ डिविडेंड के रूप में रिटर्न हो गया, दूसरा आपको ग्रोथ मिलेगा, तो कई सारे फायदे हैं। तो ये हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, और इंडियन आर्म फोर्स जो प्रोडक्ट बनाती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, वो भारत आर्म फोर्स के लिए, जो आर्म फोर्स है हमारा, आर्म फोर्स के लिए हमारा ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद जो अगला है हमारा भारत फोर्ज, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियां हैं, ये भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.86%, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से एक है। तो डिविडेंड यील्ड किसी का कुछ ज़्यादा ही रहता है और किसी का डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा कम रहता है, तो जैसे आपने देखा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिविडेंड यील्ड 3% से भी अभव है, ये भी कंपनियां काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दी है। देखते हैं पीएसयू सेक्टर का स्टॉक्स है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर देख लीजिए आप, 14,000% का रिटर्न, 14,000% बहुत ही कम प्राइवेट सेक्टर के भी आपको कंपनी हैं जो इसके रिटर्न को बीट कर पाएगा। बस दिक्कत क्या है कि अभी जो 2-3 साल है ना, इसमें पीएसयू सेक्टर परफॉर्म नहीं किया है, तो हर लोगों को लगता है कि पीएसयू सेक्टर का स्टॉक रिटर्न देता ही नहीं है, जबकि आप देखते हैं ये मात्र पिछले 3 साल से अंडर परफॉर्म है। एक तरह से कहें तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप फेयर वैल्यू से भी नीचे के वैल्यू पर स्टॉक को बाय कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जैसे देख सकते हैं कि डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है हमारी जो अभी की सरकार है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियां हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो है लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड, ये तो काफ़ी बेहतरीन है, ये निफ्टी 50 की कंपनी है, और साथ साथ ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, तो सारे के सारे जो कारोबार होते हैं वो गवर्नमेंट का वो कौन करती है, लार्सन एंड टूर्बो, कौन सी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो ये सारे वर्क जो है वो लार्सन एंड टूर्बो करती है, और इसका भी डिविडेंड देख लीजिए 2% के आसपास है, 2% ये एक्स्ट्रा रिटर्न हुआ, साथ साथ ग्रोथ का भी रिटर्न मिलेगा, साथ साथ अभी जो स्टॉक्स आपको मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब लो वैल्यूएशन पर मिल रहा है, 50% डिस्काउंट पे आपको स्टॉक्स मिल रहा है, तो इतने सारे बेनिफिट्स एक साथ, और इसका भी रिटर्न देखिए तो काफ़ी बेहतरीन, लॉन्ग टाइम में देख लीजिए 8,000 के आसपास है, 8,000% रिटर्न, तो रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है, ब्लू चिप कंपनी है, और अभी आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 50% डिस्काउंट के प्राइस पर मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अगला जो हमारा स्टॉक्स है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये स्टॉक्स का तो डिविडेंड यील्ड देखेगा तो एफडी से भी ज़्यादा है, अभी जो एफडी का आप ब्याज लेंगे उस पर भी आपको 5 point something मिलेगा या 6 point something, लेकिन आप जब उसमें कट करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, जब आप उसको कट करके देखेंगे तो इससे भी कम रिटर्न आपको मिलेगा, साथ साथ डिविडेंड जो है 10 lakh rupees तक इनकम टैक्स फ्री है, तो 10 lakh rupees तक प्राप्त करते हैं डिविडेंड तो वो आपको इनकम टैक्स फ्री है, तो काफ़ी बेहतरीन बात है, इस पे आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, जब 10 lakh rupees आगे जाएंगे तब आपको टैक्स लगना शुरू होगा। और ये भी कंपनियां देख लीजिए, ये अभी डाउन साइकिल में है, ये कंपनी काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म है, तो देख सकते हैं काफ़ी दिनों से, लगभग 10 साल से ये अंडर परफॉर्म है, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन, अगर उससे पहले देखिएगा तो देख लीजिए यहाँ पर 2000 से 2010 तक में ये जो है कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था इन्वेस्टर को, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए 4,000% के आसपास, तो पिछले 10 साल से ये काफ़ी अंडर परफॉर्म है और अभी काफ़ी लो वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें तो आप मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं है, कंपनी कल डूब जाएगी आपका जो शेयर होल्डर का रुपया है वो डुबा देगी ये कंपनी, ये तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है इस कंपनी में आपके पास, सिर्फ क्या चाहिए आपको, ग्रोथ चाहिए, डिविडेंड तो मिल ही रहा है, डिविडेंड एफडी से भी ज़्यादा मिल रहा है, बस आपको क्या चाहिए, ग्रोथ। तो आने वाले समय में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ आने वाला है, तो वैसे में ग्रोथ तो कंपनी में ही आएगा, कंपनी में जब आएगा तो इसके शेयर भी मूव करेगा, जब प्रॉफिट में करेगी कंपनियां तो शेयर भी मूव करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, जो स्टॉक्स मूव करना शुरू करेगा उस स्टॉक के साथ जाना है, और साथ साथ उसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, तो इसके सारे के फंडामेंटल एनालिसिस आपको कर लेनी है, और जो स्टॉक्स चलना शुरू करेगा उसके साथ जाना है। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी स्टॉक देखते हैं नया लिस्ट हुआ है 2019 में, तो 3
स्टॉक्स है 2019 में लिस्ट हुआ है, और उसके बाद और जो कई सारे पुराने स्टॉक्स भी है, तो आपको नए लिस्टेड स्टॉक के साथ जाना है या पुराने जो लिस्टेड स्टॉक उसके साथ जाना है, ये सारे निर्णय आपको कर लेना है। तो ये भी स्टॉक देख सकते हैं जो 2019 से लिस्ट हुआ है, तो ये भी काफ़ी अंडर परफॉर्म है, इस स्टॉक के साथ भी आप जा सकते हैं। इसका भी डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन, अभी दो साल भी नहीं हुआ है, डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 3.52% का, तो डिविडेंड काफ़ी शानदार है। अब आपको चूज करना है कि इतने सारे स्टॉक्स मैंने बता दिया, कौन सा स्टॉक इसमें बेहतरीन है, तो वैसे एक दो स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं, इन्हें के सारे सारे स्टॉक बाय कर लें। दो स्टॉक्स आपको इसमें से लेना है, दो से ज़्यादा नहीं लेना है। तो कौन से दो स्टॉक्स इसमें बेहतरीन लगता है आपको, जिसके साथ आपको जाना चाहिए, मतलब उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि कौन से दो स्टॉक्स आपको बेहतरीन लगते हैं। तो हमें लगता है, हम अपने व्यू से कहें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स काफ़ी बेहतरीन है, एक स्टॉक्स ये हो गया। एक स्टॉक्स हम इधर से लेंगे जो दूसरा है, जैसे भारत डायनामिक्स हो गया या भारत फोर्ज हो गया, इसमें से कोई एक स्टॉक्स लेंगे। तो ये दो स्टॉक्स हमारे फेवरेट हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और दूसरा जो होगा भारत डायनामिक्स या भारत फोर्ज में कोई एक। तो आप भी अपना दो फेवरेट स्टॉक्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डिफेंस सेक्टर से कौन सा, या आप एक स्टॉक के साथ ही सिर्फ जाएं जो अच्छा स्टॉक्स लगे, जो चलना शुरू करेगा, आप मोमेंटम आप मार्केट में कल से ही एक से दो दिन में पकड़ सकते हैं किस में मोमेंटम आने वाला है, किस में मतलब जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वीडियो अगर पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।